हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और आज हम बात करेंगे Chartink.com के बारे में। दोस्तों, मेरे पिछले बोलिंजर बैंड वाले वीडियो में जहां हमने टॉप्स और बॉटम्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें Chartink.com का बहुत यूज़ किया था और हम लगातार Chartink.com का यूज़ करते रहते। तो मैंने आपसे उस वीडियो में पूछा था कि क्या आप Chartink.com के ऊपर एक वीडियो देखना पसंद करेंगे ताकि आप उससे स्कैनर्स और डैशबोर्ड्स बना सके। तो बहुत सारे लोगों ने हाँ में रिक्वेस्ट की है कि जी हमें ये Chartink.com पे वीडियो देखना है। तो आज मैं ये Chartink.com पर वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखेगा। इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और बहुत एक अच्छा खासा टूल आपके ट्रेडिंग टूल बॉक्स में आ जाएगा। तो डू वॉच आउट द होल वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देख सको। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो अब आप अपने स्क्रीन पे Chartink.com का होम पेज देख पा रहे हो। Chartink.com का होम पेज मोस्टली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे जो ऊपर आप ये बैंड देख रहे हो, ये जो वेरियस फीचर्स है Chartink.com के, ये आप इस ऊपर वाली बैंड से एक्सेस कर पाते हो। इसके बाद मोस्ट इंक्ड चार्ट्स फॉर टुडे नाम का एक ये सेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे जो मैक्सिमम किसी भी दिन में स्टॉक्स पे सर्च की गई है वो वाले स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी आपको बड़े बोल्ड लेटर्स में दिख रहा है। इसका मतलब कि बहुत सारे लोगों ने इस पर सर्च किया है और वो लाजिम है क्योंकि इंडेक्स है तो लोग उस पर सर्च करते ही है। और इसके बाद जो बॉटम सेक्शन है वो है टॉप टुडेज टॉप ट्रेंडिंग स्कैन्स का। तो Chartink.com एक पब्लिक फोरम है जहाँ पे कोई भी आकर स्कैन्स बना सकता है, स्क्रीनर्स बना सकते हैं और ये पब्लिकली सबको एक्सेसिबल होते हैं। तो यहाँ पे लगभग 1.5 लाख जितने स्क्रीनर्स है Chartink.com पे, तो इनमें से जो भी पॉपुलर रहते हैं आज के दिन में वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है Chartink.com की वो है स्क्रीनर्स और डैशबोर्ड्स। तो मैंने जितने भी वीडियोस में चार्टिंग के स्क्रीनर्स और डैशबोर्ड्स इस्तेमाल किए, उन सब के सब स्क्रीनर्स की लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं Chartink.com के फीचर्स से। तो ज़्यादातर वेबसाइट्स में आपको लॉगिन या रजिस्टर करने के बाद ज़्यादा फीचर्स एक्सेस करने मिलते हैं, तो वैसा ही Chartink.com पर है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे करना है कि आपको रजिस्टर कर देना है। तो यू कैन रजिस्टर विथ योर ईमेल आईडीज एंड पासवर्ड्स, और उसे आप ये कर पाओगे कि जितने भी स्क्रीनर्स हैं आप उसे सेव कर सकते हो। तो ये एक बड़ा ही एडवांटेज रहता है कि आपकी जो भी आपने काम किया है वो सारा का सारा सेव हो सकता है और आपको एडिशनल टूल्स एक्सेस करने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल दिया है और मैं लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद तुरंत ही आपको एक डैशबोर्ड दिख जाएगा। ये आपका पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपने जितने भी स्क्रीनर्स बनाए हैं वो आप देख सकते हो। तो मैंने जहाँ पे जितने भी स्क्रीनर्स बनाए हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, जो कि है क्रिएटिंग अ स्कैनर। तो आप Chartink.com पे कैसे स्कैनर्स क्रिएट कर सकते हो, इसके बारे में हम बात करते हैं। मैं आपको एक स्कैनर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक स्कैनर बना के दिखाऊंगा कि कितना सिंपल है यहाँ पे स्कैनर बनाना। तो यहाँ पे स्क्रीनर्स के नीचे क्रिएट स्कैन नाम का एक टूल दिख रहा है, तो यू हैव टू क्लिक ऑन इट और आपके सामने ये एक पेज खुल जाएगा। तो जैसे ही आपको आपके सामने ये पेज खुलेगा, यू कैन सी कि यहाँ पे एक लाइन ऑलरेडी एडेड है स्टॉक स्क्रीनर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स इन कैश सेगमेंट। तो यहाँ पे तीन वर्ड्स आपको बोल्ड में दिखेंगे, ये तीन वर्ड्स है पासेस, ऑल और कैश। तो इन तीनों ही वर्ड्स को आप क्लिक करके उसकी कंडीशंस जो है, जो ऑप्शंस यहाँ पे वेरियस रहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो पासेस नाम का एक कंडीशन है और फेल्स नाम का भी एक कंडीशन है। तो आप पॉजिटिव साइड में भी एक कंडीशंस जो सारी की सारी मीट होती है वो स्टॉक्स की लिस्ट एक आइडेंटिफाई कर सकते हो, और नेगेटिव साइड पर भी लिस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कंडीशंस नहीं मीट करने वाले स्टॉक्स कौन से। ये अगर आप फेल्स सिलेक्ट करोगे तो वो सारे स्टॉक्स भी मिल जाएंगे आपको। तो फिलहाल के लिए वी विल यूज passes all the conditions that we are listing down, तो all or any ये दो options हैं। तो you can also select के अगर मान लीजिए आपने तीन conditions डाली है, तीन filters डाले हैं, तो इन तीन में से कोई एक filter pass करने वाला भी मुझे stock दिखना चाहिए, तो उसके लिए any आपको select करना है। otherwise अगर आपको सारे के सारे जो आपने conditions रखी है वो meet होना चाहिए तो उसके लिए all select होता है, और
लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कैश. तो यहाँ पे आप वेरियस बकेट्स है जिसके ऊपर ये स्क्रीनर रन कर सकते हो. तो कैश सेगमेंट एनएसई का कैश सेगमेंट या जितने भी स्टॉक्स कैश सेगमेंट में लिस्टेड है सारे के सारे स्टॉक्स पे ये रन करेगा. इसके अलावा फिर आपको बैंक निफ्टी ETFs, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500 ये सारे के सारे आपको इंडाइसेस मिलते हैं जिस पर ये स्कैन रन हो सकता है. तो काफ़ी सिंपल सा इनका यूज़र इंटरफेस है. अब हम चलते एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. वो होता है कि ओपन इज इक्वल टू हाई और ओपन इज इक्वल टू लो. तो अब ओपन इज इक्वल टू हाई का मतलब क्या है कि जो भी दिन का ओपन था वो हाईएस्ट लेवल पे हुआ और उसके बाद स्टॉक नीचे ही गिरता गया. तो ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कि वो देखते कि दिन के दौरान आज किस तरफ का रुझान है. तो इफ़ ओपन इज इक्वल टू हाई तो मतलब है कि स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, और अगर ओपन इज इक्वल टू लो होता है तो स्टॉक्स में बुलिश सेंटीमेंट है क्योंकि जो लोएस्ट लेवल है वहीं पर ओपन हुआ और उसके बाद स्टॉक ऊपर ही चलता गया. तो ये दो कंडीशंस होती है इंट्राडे ट्रेडर्स जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. तो हम ये दो कंडीशंस यूज़ करके एक स्क्रीनर बनाएंगे ताकि आपको इंट्राडे बेसिस पे लॉन्ग के लिए स्टॉक्स और शॉर्ट के लिए स्टॉक्स ढूंढ सको. तो लेट्स बिगिन बाय क्रिएटिंग द बुलिश स्कैनर फर्स्ट. बुलिश स्कैनर के लिए हम क्या करेंगे, ओपन जो लेटेस्ट ओपन है दैट इज इक्वल टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द डे. तो सिंपल सी कंडीशन है ओपन इक्वल्स टू लो. अब अगर आप ये कंडीशन लगा के रन करोगे तो आपको कितने स्टॉक्स यहाँ पे मिल रहे हैं. सो यू आर गेटिंग 241 स्टॉक्स फ्रॉम द कैश सेगमेंट. और अगर आप इसे निफ्टी 500 पे करते हो तो भी आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे. देर आर 27 स्टॉक्स. फॉर अ ट्रेडर टू ट्रेड इन 27 स्टॉक्स इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो इसीलिए यहाँ पे एक और लेवल ऑफ फिल्टर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो वो एक और लेवल क्या हो सकता है, सो लेट्स ऐड दैट लेवल. सो वी विल अगेन सिलेक्ट ओपन. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी स्टॉक में गैप अप ओपनिंग हुई है, अब गैप अप ओपनिंग का मतलब क्या कि कल का जो हाई था उसके ऊपर आज का अगर ओपन है तो ही वो हमारी लिस्ट में आएगा. ताकि इससे क्या पता चलेगा कि ओवरनाइट कुछ अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ था और ड्यूरिंग द डे, अब जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मार्केट ऑलरेडी खुल चुका है और ड्यूरिंग द डे स्टॉक का जो ओपन था वही लो था और उसके ऊपर ही चलता गया. तो दैट इटसेल्फ शोज के एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है स्टॉक में. तो उस तरीके के स्टॉक ढूंढेंगे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लेटेस्ट ओपन इज ग्रेटर देन वन डे अगो का हाई. तो यहाँ पे हम हाई सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जो लेटेस्ट आ रहा है उसको क्लिक करेंगे तो आपको आपके पास वेरियस ऑप्शंस हैं. तो वी विल सिलेक्ट वन डे अगो. तो अब ये दोनों कंडीशंस अगर मीट होती है तो वैसे स्टॉक्स कितने हमें मिल रहे हैं. तो लेट्स रन द स्कैन. और फिलहाल हमें सिर्फ एक ही स्टॉक नज़र आ रहा है विच इज़ टोरेंट फार्मास्यूटिकल. तो टोरेंट फार्मास्यूटिकल 7.5% आज की तारीख में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी ऊपर है. तो लेट्स क्लिक ऑन इट्स चार्ट एंड सी क्या हो रहा है टोरेंट फार्मास्यूटिकल के स्टॉक में. तो एज यू कैन सी आउट हियर आज की जो कैंडल है वो एक गैप अप ओपनिंग के साथ हुई है. तो कल का जो हाई था वो 2649 का हाई मारा था और आज का जो ओपनिंग लेवल है वो 2751 का है. तो इट इज़ अ बिग गैप अप ओपनिंग. शायद इसका रिजल्ट आया होगा और उसकी वजह से इतना अच्छा ओपन दिया है. और खास बात यह है कि ओपन होने के बाद भी स्टॉक ऊपर की तरफ गया. तो 2751 का ओपनिंग लेवल था और लो भी वही लेवल का था एंड टुडेज हाई सो फार इज 2870. तो करंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट 2832. तो यू कैन सी कि दो फिल्टर्स लगाने से आपके जो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है वो काफ़ी नैरो डाउन हो जाते हैं. अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि सिर्फ ये दो कंडीशंस नहीं है, इंट्राडे ट्रेडर्स जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो और भी ज़्यादा कंडीशंस लगाते हैं. ये वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्कैनर नहीं बना रहे लेकिन स्कैनर्स कैसे बनाते हैं ये मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए एकदम सिंपल हो जाए. आप अपने तरीके से फिर इस पर्टिकुलर स्कैनर में और भी ज़्यादा फिल्टर्स लगा के अपने लिए स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो. सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. तो चलिए अब हम वापस चलते हैं और हमारी जो ये क्वेरी बनाई है हम इसे सेव कर लेते हैं. तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ करनी है आपको, सेव स्कैन पे क्लिक करना है और अपने स्कैन का नाम दे देना है. तो वी विल नेम इट एज ओपन, ओपन इज इक्वल टू लो बुलिश स्कैन और इसे सबमिट कर लेते हैं. तो ये हमारा स्कैन सेव हो गया है.
अब हमें एक और स्कैन बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से क्रिएट स्कैन पे जाते हैं एंड वी विल क्रिएट अ बेरिश स्कैन नाउ। तो बेरिश स्कैन के लिए हम क्या करेंगे कि जहाँ पे आज का जो ओपन है दैट वॉज इक्वल टू द हाई ऑफ द डे, तो इससे क्या पता चलता है कि जो ओपनिंग प्राइस था वो हाई के करीबी था और वहाँ से फिर स्टॉक नीचे ही गया है। तो वी विल, इट इज़ अ सिंपल क्वेरी, ओपन इक्वल्स टू हाई, तो ये हमारी कंडीशन हो गई। अगर हम इसे कैश सेगमेंट में रन करेंगे तो हमें कितने स्टॉक्स मिल रहे हैं, 474 स्टॉक्स मिल रहे हैं। इफ़ वी नैरो इट डाउन टू निफ्टी 500 तो हमें 53 स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो ये नंबर बहुत ही ज़्यादा है, तो वी हैव टू नैरो दिस नंबर डाउन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक और फिल्टर लगा देते हैं, और ये फिल्टर क्या रहेगा, गैप डाउन ओपनिंग का। तो जैसे कि हमने बुलिश स्कैन के लिए गैप अप ओपनिंग देखा था, वैसे हम गैप डाउन ओपनिंग देखेंगे। तो गैप डाउन ओपनिंग कब होती है, जब आज का जो ओपन है वो कल के लो से भी नीचे का हुआ है। तो इस क्वेरी को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो वी विल पुट लेटेस्ट ओपन इज लोअर देन, इज लेस देन वन डे अगो का लो। तो लेटेस्ट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और वन डे अगो लगा देंगे। नाउ लेट्स रन द स्कैन। तो हमें गिन के सिर्फ 4 स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो दिस फिल्टर्स आउट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स विच वी आर गेटिंग। तो इससे आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 4 स्टॉक्स मिल रहे हैं जहाँ पे ये दोनों ही कंडीशंस मीट हो रही है, तो लेट्स चेकआउट वन ऑफ दीज स्टॉक्स। तो हम ITC का स्टॉक लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा सबका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट स्टॉक है। तो लेट्स सी व्हाट हैज हैपेंड इन ITC। तो यहाँ पे ITC में जो कल का लो था वो था 270.50 का, और आज का जो ओपन है वो है 268.25 का। तो ये क्लियर गैप डाउन ओपन है स्टॉक में। मेरे ख्याल से आज के दिन में एक्स डिविडेंड जाने वाला था, इसीलिए शायद ये गैप डाउन खुला है। लेकिन इवन आफ्टर दैट जो ओपनिंग प्राइस था वहाँ से स्टॉक ड्यूरिंग द डे काफ़ी नीचे आ गया है। तो इस तरीके से आप अच्छे खासे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय यूजिंग दीज स्कैनर्स। तो अब हम यहाँ पे फिर से इस स्कैनर को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम नाम देते हैं ओपन इज इक्वल टू हाई बेरिश स्कैन, और इसे सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं ताकि ये सेव हो जाए। तो ये हमारी दोनों ही क्वेरी सेव हो गई। तो ये बहुत ही सिंपल अप्रोच यूज़ करके आप अपने लिए क्वेरी बना सकते हो, स्क्रीनर बना सकते हो, और यहाँ पे ओपन हाई लो के अलावा भी बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे मैट्रिक्स है जिस पर आप स्क्रीनर बना सकते हो। तो देर आर ट्रेड बुक फील्ड्स, देर इज़ ऑर्डर बुक, तो बाय वर्सेस सेल ऑर्डर, कितने कैंसिल हुए, ये बहुत सारे टूल्स और फीचर्स है जिस पर आप ये कर सकते हो। आप वेरियस मैथ फंक्शंस भी लगा सकते हो, तो टेक्निकल इंडिकेटर्स, फंडामेंटल पैरामीटर्स पर भी आप इस पर क्वेरी बना सकते हो। तो लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, नेट प्रॉफिट्स पे आपको अगर क्वेरी कोई बनानी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है और सिंपल सा इंटरफेस है, तो ज़्यादा आपको शायद शुरू में ये ओवरवेलमिंग लगेगा, लेकिन ओवर अ पीरियड जैसे ही आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो अपनी क्वेरीज सेव करने के बाद आप उसका बैक टेस्ट रिजल्ट्स भी देख सकते हो कि पास्ट में कितने स्टॉक्स ने ये कंडीशंस मीट की थी। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे बैक टेस्ट रिजल्ट्स पे क्लिक करना है और आपका पेज नीचे स्क्रॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली एंड यू विल गेट द परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट 9 मंथ्स। तो ये इस पर्टिकुलर स्कैनर में कितने स्टॉक्स पिछले 9 महीने में ये कंडीशंस मीट कर रहे थे ये आपको पता चल जाएगा। तो बड़ा ही आसान सा इंटरफेस है, आप बहुत सारी चीज़ों के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है डैशबोर्ड्स। तो जैसे कि हमने यहां पे तो सिर्फ 2 स्क्रीनर्स बनाए, लोगों ने बहुत सारे स्क्रीनर्स बनाते और बहुत सारी चीजों पे ध्यान देते, तो हर एक चीज या हर एक स्क्रीनर के लिए आप अलग अलग पेज ओपन करके ट्रैक नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहां पे चार्टिंक ने एक डैशबोर्ड का फीचर दिया है जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर है, मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट फीचर है। तो अब हम चलते हैं कि आप डैशबोर्ड्स कैसे बना सकते हो और ये जो दोनों क्वेरीज है आपको एक ही पेज पे कैसे सकती है। तो लेट्स चेक दैट आउट। तो यहां पे आपको डैशबोर्ड्स पर क्लिक करना है। अब जैसे ही डैशबोर्ड्स पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरीके का पेज खुल जाएगा। तो अब तक आपने जितने भी डैशबोर्ड्स बनाए हैं वो सारे के सारे आपको यहां पे दिख जाएंगे। तो मेरे जितने भी डैशबोर्ड्स है ये अब आप सामने देख सकते हो। अब वी हैव टू क्रिएट अ न्यू डैशबोर्ड। तो यहां पे इस पर क्लिक करते हैं और ओपन इज इक्वल टू हाई लो डैशबोर्ड का नाम दे देते हैं।
लेट्स सेव दिस नाउ। अब ये सेव हो चुका है और हम यहाँ पे इस पर क्लिक करके ओपन करते हैं। तो अब आपके सामने ऐसा इस तरीके का एक पेज दिख जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एड योर फर्स्ट चार्ट और टेबल। तो इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है जो कि आप सिलेक्ट करके अपने डैशबोर्ड पे डाल सकते हो, या फिर आप फ्रेश स्टार्ट करके हमने जो अभी ये स्क्रीनर बनाया उसे हम डैशबोर्ड पे डाल देंगे। तो आई विल शो यू हाउ इट इज़ डन। तो आपको स्टार्ट फ्रेश पे क्लिक करना है और फिल्टर्स में जाना है। तो फिल्टर्स में जाने के बाद हमने जो दो यहाँ पे क्वेरी बनाई थी आपको वो क्वेरी के पेज पर जाना है एंड यू हैव टू क्लिक ऑन दिस रेड बॉक्स दैट यू आर सीइंग आउट हियर। तो ये कॉपी कर लेगा जो अपने फिल्टर बनाए हैं उसे कॉपी कर लेगा ये, और यू कैन सिंपली पेस्ट इट आउट हियर। तो ये बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, पहले आप स्क्रीनर बना लो और फिर उसे डैशबोर्ड में पेस्ट कर लो, तो आपको फिर से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे हमने दोनों क्वेरीज डाल दी है। हम कॉलम्स में जाएंगे और यहाँ पे क्योंकि हमने ये बुलिश स्कैन बनाया तो हम यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ देखना पसंद करेंगे। तो जो हमने डाली थी कि आज का ओपन, आज का जो लो है और एक दिन पहले का जो हाई है, तो ये तीन वैल्यूज़ हमें देखनी है। तो हम यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, लेटेस्ट लो देखेंगे एंड वी कैन ऑल्सो रीनेम द कॉलम्स। तो यहाँ पे बड़ा आसानी से आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो लेटेस्ट ओपन एंड लो हम यहाँ पे डाल देते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वन डे अगो का हाई, तो ये हमने डाल दिया है। और यहाँ पे वी विल सिलेक्ट वन डे अगो और कॉलम में यहाँ पे चेंज कर लेंगे वन डे अगो हाई। तो कॉलम्स में हमें हमारा जो रिजल्ट, तो हमारे डैशबोर्ड पे हमें क्या क्या वैल्यूज़ चाहिए ये हमने डाल दिए। तो कॉलम्स में जाके आप ये वैल्यूज़ ऐड कर सकते हो। अगर आपको मार्केट कैप या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन भी देखनी है तो आप वो भी डाल सकते हो। तो कॉलम्स इज सॉर्टेड, फिल्टर्स इज सॉर्टेड। ग्रुप्स में जाके अब हमें क्या करना है कि डेटा पर सिंबल यहाँ पे वन कर देना है और नंबर ऑफ सिंबल्स पूरा 1000 तक लेके जाना है, ताकि जितने भी स्टॉक्स ये क्राइटेरिया मीट करें ये सारे के सारे आ जाए आपके सामने। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिजल्ट वाला ये टैब यहाँ पे जो दिख रहे हो। तो अगर आप ये यहाँ पे इसे रन करते हो तो आपके सामने जितने भी स्टॉक्स है ये आ जाएंगे टेबल फॉर्मेट में। सो देर आर अदर फीचर्स एज वेल। तो बार चार्ट के फॉर्मेट में देख सकते हो, पाई चार्ट के फॉर्मेट में देख सकते हो, लाइन चार्ट के फॉर्मेट में देख सकते हो, और एरिया चार्ट भी आ जाता है। तो फिलहाल के लिए टेबल इज़ द ओनली थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस राइट नाउ। तो वी विल सिलेक्ट टेबल एंड यहाँ पे हमने फिल्टर्स में जाके वी विल चेंज इट। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कैश था, तो वी विल सिलेक्ट निफ्टी 500 एंड वी विल ऐड दिस टू डैशबोर्ड। तो ये हमारी हो गई बुलिश स्कैन। तो वी विल अगेन वी विल हैव टू नेम दिस पर्टिकुलर स्कैन। तो ओपन इज इक्वल टू लो और बुलिश स्कैन ये हम नाम दे देते हैं एंड वी विल सबमिट दिस। तो अब आप अपने स्क्रीन के सामने एक ये डैशबोर्ड में टॉरेंट फार्मा का जो जैसे हमने बुलिश स्कैन में देखा था ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमें दिख रहा है। तो ये हमारा डैशबोर्ड का फर्स्ट सेक्शन रेडी हो गया। अब हम इसी प्रकार से सेकंड सेक्शन भी रेडी कर देंगे। तो विल फॉलो द सेम प्रोसेस, स्टार्ट अफ्रेश पे जाएंगे, फिल्टर्स में जाएंगे और जो हमने बेरिश स्कैन बनाया था उसके कंडीशंस फिर से हम कॉपी कर लेंगे। सो वी विल डू दिस क्विकली। विल अगेन फॉलो द सेम प्रोसेस दैट वी हैव फॉलोड। कॉलम्स भी इसकी भी बना लेंगे। तो वी विल पुट ओपन हम यहाँ पे लेटेस्ट हाई भी डाल देंगे। और एक दिन पहले का जो लो था वो भी हम डाल देंगे। विल ऑल्सो डू द सेम थिंग हियर। तो 1000 कर लेंगे एंड रिजल्ट तो बाई डिफॉल्ट टेबल ही है। तो विल जस्ट एड दिस टू डैशबोर्ड। तो यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई, बेरिश स्कैन आ जाएगा नाम,
एंड वी विल क्लिक ऑन सबमिट। तो ये दो हमारे जो बेसिक स्क्रीनर्स थे वो हमने डैशबोर्ड पर डाल दिए। तो अब आप देख सकते हो कि कितना आसान हो जाता है आपके लिए देखना कि कितने स्टॉक्स बुलिश स्कैन में पास हो रहे हैं और कितने स्टॉक्स बेरिश स्कैन में पास हो रहे हैं। अब हमने जब बेरिश स्कैन बनाया था तो सिर्फ 4 स्टॉक्स आ रहे थे, तो यहाँ पे तो हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। दैट इज़ बिकॉज यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया था, जो ग्रुप था वो कैश ही रखा था। तो यहाँ पे आप बड़ी आसानी से इसे चेंज कर सकते हो। तो एडिट पे क्लिक करके आप फिल्टर्स में जा करके जो हमने ये कैश सेगमेंट रखा था उसे चेंज करके निफ्टी 500 कर दीजिए और फिर से ये सेव कर दीजिए। यू कैन क्लिक सबमिट वंस अगेन और ये अब जैसे हम 4 स्टॉक्स देख रहे थे ठीक उसी प्रकार से उतने ही 4 स्टॉक्स हमें फिर से नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट डैशबोर्ड्स ऑन चार्टिंग। आप डैशबोर्ड्स को भी एडिट कर सकते हो। तो आपको लेआउट अगर चेंज करना है, मान लीजिए इसे छोटा बड़ा करना है, तो वो बड़ी ईजीली हो सकता है। यू कैन सिंपली क्लिक लाइक दिस एंड सेव द लेआउट। तो ये बहुत ही ईजीली आप इसे चेंज कर सकते हो एंड देन यू कैन इवन ऐड एन नंबर ऑफ स्क्रीनर्स टू योर डैशबोर्ड। तो आपको एक ही डैशबोर्ड में जितने भी आपने स्क्रीनर्स बनाए ये सारे के सारे आप स्क्रीनर्स एक ही डैशबोर्ड में डाल सकते हो। ताकि तो मान लीजिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपके कुछ स्पेसिफिक स्क्रीनर्स है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ स्पेसिफिक स्क्रीनर्स है और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कुछ अलग से स्पेसिफिक स्क्रीनर्स है। तो ये सारे के सारे आप एक ही डैशबोर्ड में डाल सकते हो। तो ताकि आपको अलग अलग स्क्रीनर्स अलग अलग पेजेस खोले ना पड़े, इट इज़ एवरीथिंग एट इज़ एट वन प्लेस। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड फीचर्स ऑफ चार्टिंग विच आई लाइक टू यूज़ इट अ लॉट। सो ये हो गया बेसिक्स ऑफ चार्टिंग, कैसे आप चार्टिंग के बेसिक टूल्स जैसे कि स्क्रीनर्स और डैशबोर्ड्स यूज़ करके अपने हिसाब से अपने लिए क्वेरीज बना सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से स्क्रीनर्स और डैशबोर्ड बनाना काफ़ी आसान हो गया होगा। तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो अभी अभी हमने ये स्क्रीनर बनाया है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से है। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आनी बाकी है, जैसे कि और फिल्टर्स आप लगा सकते हो, वॉल्यूम्स वगैरह। और इस पर्टिकुलर स्कैनर को आप ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ मोस्टली 9:30 से 10 बजे के बीच में अगर आप रन करेंगे तो वहाँ से आपको स्टॉक्स बड़ी अच्छी तरीके से इजीली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मिल जाएंगे एंड ऑलवेज ट्रेड विद स्टॉप लॉसेस एज वेल। तो ये सारी चीज़ों का भी आप ध्यान रखिएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे ये प्रयास पसंद आ रहे हैं तो हमारी चैनल को यहाँ पे नीचे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और भी ज़्यादा लोगों तक ये हमारे वीडियोस पहुँचाइए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।